या देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में दो बार होती थी, तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे, और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी जी। आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी, हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई, बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते दो शादियों को। और उस टाइम पर जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे, 35-35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी, तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक एक्सपेक्ट मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है, तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे, और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन से हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है, तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बातें हरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है, तो मेरे को एक कहीं ना कहीं हरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेकडाउन रही हूँ, इतने इमोशनली मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना, उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी बात बात की, अभी तक मैंने फ़ोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज़ 1 by 1 प्लीज़। देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादी है इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो मेरी और मान जी की शादी है
जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही जी हनुमान जी को काफ़ी गंभीर एलिगेशन है, लैवेंडर गोल्ड गर्ल का रेप इतना क्यूट है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, आई एम नॉट सपोज टू, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी चीज़ें सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू।